हेलो केमिस्ट्री पीपल, तो क्या आप लोग तैयार हैं न्यू इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के लिए? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास है रेड कैबेज। रेड कैबेज जो होता है दैट इज नेचुरल इंडिकेटर। ये एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर देता है, पर इसको हमें पहले इसका एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। इसका एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? आपको क्या करना है, इसे चॉप कर लेना है और पानी में थोड़ी देर उबालना है, फिर ठंडा करके इसका सोल्यूशन बन जाएगा। दैट एक्ट्स एज ए पीएच इंडिकेटर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी में उबालने के बाद कैसा कलर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 डिफरेंट कलर के सोल्यूशन है। इसके अंदर हमने लिया है लेमन वाटर, इसके अंदर है हमारे पास विनेगर, इसके अंदर है हमारे पास मिल्क, इसके अंदर है हमारे पास वाटर, इसके अंदर है हमारे पास डाइल्यूट NaOH एंड इसके अंदर है हमारे पास बेकिंग सोडा। एक आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इसके अंदर है हमारे पास सोप सॉल्यूशन। ओके, तो ये है आपके पास रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट जो कि हमने पानी में उबाल के बनाया था। ये वॉयलेट कलर का होता है, डार्क वॉयलेट कलर का, ठीक है। अभी डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ कैसे कलर देगा आपको, वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं लेमन वाटर के अंदर। तो हम जल्दी से सभी के अंदर डालते हैं, फिर कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा कलर क्यों क्यों आया, ठीक है। है ना सारे फंटेस्टिक कलर्स। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कलर क्यों क्यों ऑब्जर्व हुए हमें, ठीक है। इसे हम लास्ट पे रख देते हैं। तो जो रेड कैबेज होता है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ वॉयलेट कलर देगा, क्योंकि जो इसका नेचुरल कलर है वो वॉयलेट है एंड न्यूट्रल के साथ कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, तो न्यूट्रल के साथ एज इट इज वॉयलेट कलर आएगा। लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सॉल्यूशन है, अगर वो हल्का बेसिक है तो उसका जो कलर आपको ऑब्जर्व होगा वो ऑब्जर्व होगा लाइट ब्लू। लाइट ब्लू से वो चला जाएगा डार्क ग्रीन अगर हम बेसिक की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर था हमारा विनेगर जो कि एसिड था, इसलिए यहाँ पे रेड कलर आया। एंड इसके अंदर था आपका लेमन वाटर, ठीक है। लेमन वाटर भी एसिडिक होता है इसलिए रेड कलर आया। इसके अंदर था हमारा मिल्क। देखो मिल्क होता है उसकी जो पीएच रेंज रहती है ऑलमोस्ट न्यूट्रल के पास रहती है, इसलिए जो इसका कलर है लाइट वॉयलेट आया, ठीक है, लाइट वॉयलेट आया। इसमें था हमारे पास वाटर, इसका कलर आया है आपके पास वॉयलेट, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ कोई भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। अब देखो बेस के साथ कैसे होता है इसका कलर, मैं बाकी सबको हटा देती हूँ, फिर बेस के साथ कलर चेंज कैसे आया वो समझाती हूँ आपको। तो जो रेड कैबेज है वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ ब्लूइश ग्रीनिश कलर ऑब्जर्व करता है। अगर जो हमारा सॉल्यूशन है वो लाइट ब्लू कलर का है, इसका मतलब जो आपका गिवन सॉल्यूशन है वो स्लाइटली बेसिक है। लेकिन अगर वो ग्रीनिश होता जा रहा है, इट मीन्स उसकी जो पीएच वैल्यू है बढ़ती जा रही है, यानी वो मोर बेसिक की तरफ मूव कर रहा है। और अगर आपका लास्ट में येलो कलर आ जाता है तो इट मीन्स जो आपका पीएच रेंज है वो अराउंड 13-14 है, ठीक है। तो इसके अंदर था हमारे पास क्या, सोपी सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने शैम्पू को लिया था, तो देखो जो इसका कलर आया है वो ब्लू कलर का आया है, इसका मतलब जो ये है बेसिक सॉल्यूशन है। इसके अंदर ग्रीन कलर का आया है, इसके अंदर हमारे पास था बेकिंग सोडा, इसका मतलब इसकी पीएच सोपी सॉल्यूशन से ज़्यादा है क्योंकि ये ग्रीनिश की तरफ मूव कर गया। और ये येलो की तरफ मूव कर गया, इसके अंदर था हमारे पास डाइल्यूट NaOH, इसका मतलब इसकी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो जो शिफ्टिंग होती है वो होती है ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से येलो। तो उम्मीद करती हूँ आपका आज का एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप केमिस्ट्री के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।